नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार ए टू जेड। बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया पर्व। यूपी के बलिया जनपद के रसा की ऐतिहासिक रामलीला में शनिवार को श्री राम ने जैसे ही रावण को तीर से मार गिराया, वैसे ही मेला में उपस्थित हजारों की संख्या में लोगों के जय श्री राम के जयकारों से छोटी काशी गुंजमान हो उठी। राम रावण युद्ध को देखने के लिए दोपहर से ही लाखों की भीड़ रामलीला परिसर में उमड़ने लगी थी। असत्य पर सत्य के प्रतीक लगभग 50 फीट लंबे रावण के पुतले को भगवान श्री राम के साथ नपा के कार्यवाहक अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सोनी, महेंद्र कौशलेंद्र गिरी, मेला कमेटी के अध्यक्ष जेपी जायसवाल, संजय जायसवाल, टुना बाबा, अरविंद पांडे सहित मीडिया के भाइयों ने रावण के पुतले को आग के हवाले कर दिया। आग की लपटों के बीच रावण का पुतला धू धू कर कर जल उठा और जय श्री राम की जयकारों से पूरा परिसर गुंजता रहा। इस दौरान वशिष्ठ नारायण सोनी व महंत कौशलेंद्र गिरी ने प्रभु श्री राम व लक्ष्मण की आरती उतार कर लोक मंगल की कामना की। इसके पूर्व श्री राम द्वारा रावण का वध करते लोग खुशियों से झूम उठे तथा प्रभु श्री राम के गगनवेदी नारों से श्रीनाथ नगरी गुंजमान हो उठी। रावण सेना का रोमांचकारी महासंग्राम तथा वास्तविक दृश्य को देख लोग खुशी से झूम उठे। इस दौरान सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था सिटी इंचार्ज सुरेंद्र सिंह, दक्षिणी चौकी इंचार्ज धर्मेंद्र सिंह के नेतृत्व में पुलिस ने भारी चौकसी बरती। वहीं दर्जनों महिला पुलिस कर्मी भी सुरक्षा व्यवस्था में लगी रही। पूरे भारत वर्ष में 8 अक्टूबर को विजयदशमी के दिन रावण जलाया गया था, मगर भारी जलभराव के कारण ऐतिहासिक रामलीला का मंचन 4 दिन बढ़ाना पड़ा और आज रावण जलाया गया है। समाचार एटी जेड के लिए बलिया से पिंटू सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में बलिया, बलिया जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर वाराणसी के रामनगर के बाद दूसरा का ऐतिहासिक रामलीला के आज ग्राउंड में जो है यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में जो है यहाँ पे महिला पुरुष आए। सबसे बड़ी विशेषता ये क्या, 1 लाख दर्शक एक साथ बैठते हैं। पूरे भारत वर्ष में जो है 8 तारीख को विजयदशमी मनाया गया, लेकिन भारी मूसलधार बारिश के कारण आज यहाँ पे जो है रावण 12 तारीख को जलाया जा रहा है। ऐसी भी मान्यता है यहाँ के जो काफी दूर दूर से लोग देखने आते हैं, कई जनपदों से जो आज यहाँ लोग यहाँ रावण को देखने आए हुए हैं। हमारे पीछे आप देख रहे हैं कि 22 वर्षों से जो है बजरंग बली का पत्र निभा रहे हैं। यहाँ पे पीछे देख रहे हैं हमारे महिला जो बैठी हुई है काफी दूर दराज से आई हुई है। यहाँ पे भारी मूसलाधार बारिश के बाद यहाँ पे आज भी रावण को जलने के लिए खटाखट। उत्तर प्रदेश के बलिया से पिंटू।